हाँ दोस्तों, मैं देवेंद्र अग्रवाल कैसे आप ये छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, पर अगर आपने डबल चार्जिंग का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है या आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे हमें पता चले कि दो बी क्यू लगी है और कौन सी बी क्यू हमारी मेन चार्जिंग है, कौन सी टर्बो चार्जिंग है, तो एक छोटा सा वीडियो सिर्फ टेस्टिंग का बता रहा हूँ। आपने करना क्या है, देखो इस बी क्यू पर नंबर लिखा है 25890, इस पर बी क्यू पर नंबर लिखा है 25892, ये 92 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये 90, दोनों के कंसेप्टली अलग है, दो बी क्यू 24-24 लाख की। अभी जरूरी नहीं है इस पर नंबर भी लिखा हो, कई ऊपर आपको कुछ वर्डिंग भी लिखी होगी, बी डी डी एस डी 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 या कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सो कैसे पता चलेगा, इमिडिएटली विदाउट डायग्राम, क्योंकि स्कमेटिक इन पीसीबी के होते नहीं है। सो आपको करना क्या है, आपको सबको पता है कि नोज कट पॉइंट दोनों का ही होगा और नोज कट पॉइंट के जो पहला नंबर का पिन होता है, या आपको इतना तो आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखते ही होंगे, और ये पहले नंबर की जो पिन है ये आपकी बी बस होती है, मतलब 5 वोल्ट, ये आपकी बी बस होती है मतलब 5 वोल्ट। सो जनरली जब दो बी क्यू लगाई जाती है तो दोनों के बी बस को सेम नहीं रखा जाता है, हाँ रखा जाए तो भी एक तरीका है, वो तरीका मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। पर अगर दोनों के बी बस सेम नहीं है, इनकेस अगर ये और ये आपस में बीप नहीं मारती, तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि कौन सा हमारा बी क्यू मेन चार्जिंग है, कौन सा टर्बो है। कैसे, अगर इसका बी बस से बीप नहीं मारा तो हम इसका MID चेक करेंगे, अगर इसका MID इसके बीवर से भी मारा तो ये वाला मेन होगा और ये वाला आपका टर्बो होगा। क्लियर है पॉइंट, टर्बो मतलब फास्ट चार्जिंग। और अगर इसका बीवर इसके MID पे भी मारा, सपोज मतलब इसका बीवर और इसके MID पे भी मारा, तो ये टर्बो होगा और ये मेन होगा। आइए चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर है, यहाँ पर दो BQ है, पहले हम बीवर और बीवर में लगाएंगे, पहले मैं बीप सुना देता हूँ, ठीक है। तो एक बीबस में लगाता हूँ और ये देखो कोई बीप नहीं है। अब मैं इसके बीबस में और उसके मिड में लगाऊंगा, पहले इसके बीबस में और इसके मिड में, तो ये 23 नंबर है, कोई बीप नहीं है। अब मैं इसके मिड में लगाऊंगा MID में और इसके बीबस में, यहां पर लगाऊंगा इसके MID में और इसके बीबस में, तो देखो बीप आ गई। इसका मतलब इसका जो MID है वो इसका बीबस है, मतलब सबसे पहले ये IC ऑन होगी, MID बनेगा, तब जाके इसका बीबस बनेगा और ये IC ऑन होगी, मतलब ये मेन चार्जिंग है और ये टर्बो चार्जिंग है। तो इस तरीके से वीडियो देखना, छोटे छोटे सोल्यूशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं सीखी हैं और सीखना है तो प्रॉपर तरीके से शेड्यूल को घुमाइए अपडेट होने के लिए, और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।